गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। क्या आप ऑनलाइन हैं? क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सद्दाम जी, शंकर जी, हेलो हाउ आर यू? सरवन जी वेरी गुड मॉर्निंग, शिवा जी गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा वीडियो जरा शेयर टू ग्रुप कर दीजिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा लाइव आया करे उसको डाउनलोड जरूर कर लिया कीजिए तुरंत। आवाज क्लियर है सर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कृष्णा जी। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा एक अर्जेंट लाइव आया है क्योंकि मैंने कल बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, लेकिन उसके बाद भी शायद ओके लाइफ केयर के जो लीडर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। और ओके लाइफ केयर के एक टॉप अर्नर जो हैं मिस्टर अखिलेश सिंह, उन्होंने एक पोस्ट डाला। दो तीन विषयों पे बात करूंगा मैं जल्दी जल्दी। और उन्होंने जो पोस्ट डाला वो ये डाला कि गिरगिट के बारे में कुछ बोला उन्होंने कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं, और ऐसे गिरगिट लोगों को आप अनफॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को आप सुनते क्यों हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी अचीवमेंट नहीं ली। हैशटैग बाजा फिर उन्होंने डाला, थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा बाजा है, थोड़ा सा बजना तो बनता है, तो मैंने कहा जरो आप दिन में थोड़ा सा बज जाते हैं, बाकी 9:30 बजे तो मैं आ ही रहा हूं। 9:30 बजे एक ऐसा टॉपिक है जो इस पूरी इंडस्ट्री को सोचने में मजबूर कर रहा है, और वो टॉपिक ये है कि ओके लाइफ केयर का एक्चुअल में मालिक है कौन। और ऐसे 50 सवालों के साथ जो मुझे महसूस हुए, आपके भी हो सकते हैं बहुत सारे, मुझे 50 पर्सनल सवाल जो है मिस्टर डीके सारन से डायरेक्ट पूछने हैं, और साथ में आपके विक्रांत नारवाल जी से पूछने हैं जो मुझसे 5 सवाल पूछ रहे हैं ना, उनको सवाल पूछने का बड़ा शौक है और उनसे मैं सवाल पूछूंगा। तो अखिलेश जी ने आज डाला गिरगिट, और उन्होंने बोला है मैंने इस कंपनी से पैसा कमाया, उस कंपनी ने मेरे 25 लाख खा लिए, सोनम के 4.5 लाख रुपए खा लिए। अरे यार, तुम ऐसी कंपनी में टिके हुए थे? इसका मतलब अगर अखिलेश जी से, देखिए अखिलेश जी से एक चीज पूछिए आप, ये ओके लाइफ करके टॉप अर्नर है अखिलेश जी, ये बोल रहे हैं क्योंकि मैंने इनका एक ऑडियो वायरल किया जिसमें ये 1 साल के अंदर 100 लोगों को 10 लाख तक पहुंचाने वाले थे। जैसे अब इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है कि हम 6 महीने में 500 लोगों को लखपति बनाएंगे, ये सिर्फ इनकी, ये सारे फेंकू लोग हैं, ये बेकार की बात है। 5 साल में दिखा दो ना, 5 साल के अंदर 100 लखपति दिखा दो भाई, 5 साल हो गए ना इनको काम करते हुए। सवाल पूछने वाला इनके पास कोई है नहीं, जो इनके साथ लीडर हैं वो बेचारे डरते हैं इनसे, उनको डरा देते हैं कि हम तुम्हारी मीटिंग नहीं देंगे, हम तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं देंगे। जो बिजनेस करता है उनके साथ भागते हैं, जो बिजनेस नहीं करता उनके साथ छोड़ देते हैं। अरे आपकी टीम से 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाने वाले चले गए, शैलेश तिवारी जी चले गए आपकी टीम से, और अभी 1-2 गुड न्यूज और मिलने वाली हैं आपको बहुत जल्दी, आफ्टर दिवाली मिलने वाली हैं। दिवाली के चक्कर में लोग रुके हुए थे, और कुछ लोग रुके हुए हैं इस महीने का पे आउट लेने के चक्कर में, वो पे आउट मिलते ही बैक टू द पवेलियन बहुत सारे लोग होने वाले हैं, चिंता नहीं करो। तो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हमने किसी कंपनी की बुराई नहीं की, और साथ में ये बोल रहे हैं, आप देखिए इनकी चालबाजी देखिए सोनम और इनकी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच जाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं संभल जाओ, ओके लाइफ केयर में बिल्कुल मत जुड़ो, और जो जुड़े हुए हैं वो अपने कैरियर की तरफ सोचो। इसने आज पोस्ट क्या डाला, उस पोस्ट को ध्यान से सुनो आप। इसने बोला गिरगिट, मुझे गिरगिट नाम दिया इसने, उस गिरगिट पे भी आऊंगा। गिरगिट कौन कौन होता है? 2-3 साल के बाद रंग बदलने वाला गिरगिट होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, अखिलेश तक पहुंचना चाहिए कि अगर कोई 2-3 साल के बाद रंग बदलता है वो गिरगिट होता है, या 5-7-10 मिनट के अंदर ही जो अपना रंग बदल दे वो गिरगिट होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए एक्चुअल में गिरगिट कौन होता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो 2-3 साल में काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद फिर कंपनी चेंज करता है वो गिरगिट होता है, या 5-10-15 मिनट में या कुछ घंटों में रंग जो बदलता है वो गिरगिट होता है। मैंने तो ये देखा है, जो अगर गिरगिट को आप देखोगे तो हर 5-7 मिनट बाद वो रंग बदल देता है। आपकी क्या राय है इसके अंदर? जी बताइए, कमेंट थोड़े लेट आते हैं, आपने लिखे तो होंगे 5-10 मिनट में, कृष्णा जी लिख रहे हैं, जो 5-10 मिनट में या आधा 1 घंटे में मान लो, या पूरे दिन में मान लो, वो गिरगिट होता है। तो अखिलेश जी आपकी बात मैं पहले कर देता हूं कि एक्चुअल में गिरगिट कौन है। कल का एक बहुत सुंदर वाक्य मैं आपको बताता हूं।
कल मिस्टर डीके सारन लाइव आए, मतलब मेरे इतने सारे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला था कि उनके दोस्त बोल रहे हैं जिद्दी इंसान है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। कल ओके लाइफ केयर वालों के साथ फिर एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। कल भाई साहब लाइव आए डीके सारन और उस लाइव को बंद कर डिलीट कर दिया डर के मारे। और वो लाइव में क्या बोला उन्होंने, पहले तो लालच दिया दुबई के अंदर आपको लेके जाएंगे 25-25 हजार की जो मैचिंग करेंगे, दुबई जाओगे। मैं सर आपको एक बात बताता हूं, इनके प्लान से, इनके प्लान में कोई दम नहीं है। इनके प्लान से LDP, EDP, NLP और ये जो टूर का जो लालच देते हैं ये हटा दो आप, कुछ नहीं है इनके प्लान में। ये मूर्ख बना रहे हैं पिछले कई सालों से। 5-स्टार होटल में ले जाएंगे बिजनेस बढ़ा लेंगे, 5-स्टार होटल में ले जाएंगे बिजनेस बढ़ा देंगे। अब इन्होंने दुबई का टूर दे दिया और फिर भाई साहब की समान जवान फिसल रही है कि अगले साल हम एनिवर्सरी मनाएंगे 2026 बोला उन्होंने, 2022 में है सर, 26 नहीं है। तो इसका मतलब जिनको दुबई का टूर दिया गया भूल जाओ, 2022 में मिलेगा, 2026 में मिलेगा आपको। तो कल ओके लाइफ केयर वालों के साथ जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने वादे के पक्के नहीं है, कुछ घंटों के अंदर ही डीके सारन जी की जवान चेंज हो गई। उन्होंने अपने लाइव के अंदर बोला, और चिंता मत करना जैसे ही आप लाइव आते हो हमारी टीम बैठी हुई है वो तुरंत उसको डाउनलोड कर लेती है। इन्होंने अपने लाइव में बोला, सब ओके लाइफ केयर वाले भी सुनना, हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं बोल रहे आपके लिए। इन्होंने अपने लाइव में बोला कि आज शाम को 100% आज रात को क्लोजिंग हो जाएगी, उसके लिए तैयार रहें, क्लोजिंग की डेट बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि दिवाली आ रही है, इसलिए क्लोजिंग की डेट नहीं बढ़ेगी। और मुझे आपके घर में दिवाली से पहले पैसा पहुंचाना है, तो इसका मतलब 4 तारीख की अगर दिवाली है तो 3 तारीख तक उन्होंने कमिट किया अपने लाइव के अंदर कि 3 तारीख को मुझे आपके घर में पे आउट भेजनी है। उसके बाद लाइव खत्म हो गया, फिर बैठ के प्लानिंग हुई होगी, फिर रात को 10:30-11 बजे इनकी टीम के कोर मेंबर आदित्य कौल जी की तरफ से मैसेज आता है, सब जितने भी सीनियर लीडर हैं कंपनी से मैसेज स्प्रेड होता है और सारी टीम के अंदर जाता है, और उसमें लिखा जाता है लीडर्स के कहने से हमने एक दिन की डेट बढ़ा दी है, लीडर्स के कहने से हमने एक दिन की डेट बढ़ा दी है, तो आज क्लोजिंग नहीं होगी, क्लोजिंग होगी कल और चेक आपको 10 तारीख को ही मिलेगा। अरे वाह, फिर भी आप कहोगे ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, वेरी गुड भाई। कुछ घंटों के अंदर अब परेशानी इसमें आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, दो दिक्कत है। जिन बिचारों के घर में पैसे की दिक्कत होगी और उसको ये कितनी खुशी हुई होगी कि दिवाली से पहले मेरे अकाउंट में पे आउट आ जाएगा, उसने बिचारे ने जो एक दिन बाद क्लोजिंग करता कहां से भागा होगा, किस सेंटर पे भागा होगा, कैसे कैसे लोगों को फोन किया होगा, टेंशन हुई होगी और उन्होंने क्लोजिंग की इस खुशी के अंदर कि दिवाली से पहले मेरा पे आउट आ जाएगा, उन सब की खुशियों के ऊपर पानी फेर दिया गया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अखिलेश सिंह जी, जो आप कह रहे हो ना गिरगिट, अजय शर्मा है बाजा है, तो ये है गिरगिट, आप है गिरगिट जो 5-5 मिनट में रंग बदल देते हो। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अपने वक्तव्य को वापस लीजिए, लोगों के घर में दिवाली का पैसा पहुंचाइए, क्योंकि आज सोनम दीदी लाइव आई थी, वो बोल रही थी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी मनेगी। सोनम दीदी जी, दिवाली तब अच्छी मनेगी जब लोगों के घर में 4 तारीख से पहले पैसे पहुंचवा दोगी जो कमिटमेंट किया था। आज सोनम दीदी जो लाइव आई है, मैंने तो उनका जिंदगी में आज तक ऐसा लाइव नहीं देखा, ऐसा लग रहा था उस लाइव के अंदर, और ये रूप देखने को मिलेंगे इनके भी। अभी अखिलेश जी भी आएंगे, वो आपको भगवान वाला रूप दिखाएंगे। सोनम जी आई, इन्होंने बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गुरु, जैसे वो बोलती है ना अपनी ओम शांति जी की वो बोलती हैं, वो वाला पूरा रूप था। आज तक ऐसा रूप आपने देखा ही नहीं होगा। बहुत अच्छी अच्छी बात हो रही थी, उसके ऊपर आऊंगा। तो अखिलेश जी गिरगिट कौन है जिसने कुछ टाइम के अंदर रंग बदल दिया? तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सभी ओके लाइफ केयर वालों के फायदे की बात कर रहा हूं सर, 3 तारीख को पे आउट पहुंचा देना लोगों के अकाउंट में, वरना यहां से बद्दुआएं आएंगी फिर दोबारा से आपके पास। तो ये इनका रूप है, आप देखो कैसे बदलेंगे। आप कह रहे हो सर बोलना बंद करो, ये सुधर जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे, लेकिन फिर भी क्या, ये लोग झंडा लेके चलेंगे, ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं, बेस्ट सीईओ भगवान। और कल से एक नया चलन शुरू कर दिया, क्यों, पोस्टरबाजी में सारे माहिर हैं, आशावादी निराशावादी, आशावादी का चला दिया, निराशावादी का चला दिया, नेगेटिव लोगों से दूर रहो अभियान चला दिया। अभी मेरे को सुनने में आया है, फिर मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने बोल दिया है कि भाई 1 हफ्ते के लिए अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट क्लोज कर दो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। बताइए आप, ये हाल है इनका।
जवाब नहीं देंगे, हमें नेगेटिव बता रहे हैं कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इनको मत देखो, बंद कर दो सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर दो एक हफ्ते के लिए, ये ग्रुप के अंदर मैसेज फैलाया है, बहुत बड़े लीडर इनकी कंपनी के। तो सर गिरगिट वो है जो क्लोजिंग पे देता है। और सबसे बड़ी चीज जो यहां पे आपने बोल दी, तो अखिलेश जी आपके लिए मैं बता देता हूं, आप इस चीज को बड़ा फैला रहे थे ना केआरएस के बारे में, और आपके जो आए थे वो क्या नाम है नटवर लाल जी, वो फैला रहे थे। जब हमने बोला, कह रहे जी अजय जी की एक ऑडियो है, जब हमने बोला जी वहां पे पहले एंट्रियां छोड़ दी जाती थी, खुल के छोड़ दी जाती थी, और लीडर्स के हाथ में था भी किसी को भी दे सकते हो, तो हमने जाके उनको बोला सर ये चीज आप मत कीजिए, ओके में ये नहीं होता, हमने प्राउडली ये बात बोला ओके में नहीं होता। उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने कल से सारी आईडी बंद हो रही है, जितनी भी पुरानी आईडी पड़ी है, अगर वो एक्टिव है उनकी केवाईसी हो गई है तो रहेंगी। तो क्या हो गया उसके अंदर? तो आपने बोला लीडर ओरिएंटेड कंपनी है, लीडर के कहने से चलती है, तो आपके तो डीके सारन सर ने जो मैसेज भिजवाया कंपनी से, उन्होंने बोला लीडर्स के कहने के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग रोक दी गई है। तो भाई ध्यान से सुन लिया करो, दूसरे के ऊपर ब्लेम मत लगाया करो, आपकी कंपनी भी लीडर ओरिएंटेड ही कंपनी है, मैनेजमेंट तो है ही नहीं, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड तो है ही नहीं, नेटवर्कर ओरिएंटेड कह सकते हो, लीडर ओरिएंटेड कह सकते हो जो आपकी कंपनी है। चलिए रात को मैं आऊंगा पूरा लाइव 50 सवालों के साथ। तो अखिलेश जी गिरगिट सब हटाइए वहां से, और आपको पता बता दिया मैंने गिरगिट कौन है, और कितनी गिरगिट की तरह रंग बदले हैं ना आपने, जो आज तक सवाल पूरे 50 सवाल लेके आ रहा हूं रात को, पूरे 50 सवाल लेके आ रहा हूं, और सबके जवाब देने पड़ेंगे आपको टीम को, 5-5 मिनट में आप बदल जाते हो। अब आप कह रहे हो जी मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, अरे भैया इतने गवाह हैं, आप कह रहे हो मेरा पूरा देखिए टीम मेंटर्स का मेरा चैनल देखिए, कोई भी मेरी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपकी, क्योंकि आप बड़े शातिर हो। वो वाली जो मीटिंग करते थे ना आप जूम मीटिंग के ऊपर, जिसमें नेगेटिविटी फैलाने वाला काम होता था, जिसमें दूसरी कंपनी की कंपैरिजन करते थे आप, जो बोलते थे सारी कंपनियां बेकार है, सिर्फ ओके का प्लान और ओके का कैलकुलेशन सबसे बढ़िया है, उसको आप हमेशा प्राइवेट रखते थे, बस जूम पे चलता था, यूट्यूब पे चलता था, और उसके बाद बंद कर देते थे उसको, आप इतने शातिर हो, सबको मालूम है। जब लोग पूछते थे सर वो कल वाली ट्रेनिंग देना, अरे नहीं 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 वो मार्केट में थोड़ी जानी है, वो तो सिर्फ आपको मैंने स्पेशल ट्रेनिंग दी थी कि कैसे तोड़ा जाता है, क्योंकि वो अगर मार्केट में चली जाएगी तो फिर अखिलेश जी की और ओके लाइफ की बैंड बजा देंगे दूसरी कंपनी वाले। आपने कमाया, आपने बोला कि मैंने लाखों कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया। अब आता हूं देखिए इनकी बात पे, भाई साहब इनसे बच के रहो, ओके लाइफ के वालों इनसे बच के रहो, अब इनका पोस्ट पढ़ो अखिलेश सिंह का जाके। इसने बोला कि मेरा 25 लाख रुपए रोक लिया और सोनम का 4.5 लाख रुपए रोक रखा था उस कंपनी ने, 25 लाख रुपए अखिलेश का रोका हुआ था, 4.5 लाख रुपए सोनम का रोका हुआ था, उसके बावजूद भी ये उस कंपनी में लगातार काम करते रहे, और इसने बहुत सारे लोगों के करोड़ों रुपए फंसवाए उस कंपनी में। क्या आप ऐसी किसी कंपनी में काम करेंगे जो कंपनी एक महीने भी, मैं अपनी टीम के अंदर एजुकेशन देता हूं, अगर कोई कंपनी आपका एक महीने पे आउट ना देना समझ जाओ गड़बड़ है। एक महीने अगर कोई पे आउट रोकती है ना उस कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, तुरंत आप पाला बदल लो, क्योंकि उस कंपनी के पास फंड का इश्यू है, यानी आपका पैसा खर्च कर दिया गया है। और ये इंसान क्या पोस्ट लिख रहा है कि मैंने कभी किसी की नेगेटिविटी नहीं करी, उस कंपनी ने मेरा 25 लाख या 30 लाख कितना लिखा था उसको रोक लिया, उसके बावजूद भी मैं नहीं बोला। अरे भाई तूने तो करोड़ों रुपए लोगों का डुबवाया, इसका मतलब यानी तेरा पहले महीने का जब पे आउट नहीं मिला था तेरे को तब आवाज उठानी चाहिए थी, उस टाइम मैं मानता तू लीडर है। और यही काम ये अब कर रहे हैं, सोनम ने भी आवाज नहीं उठाई, इसने भी आवाज नहीं उठाई, और अब भी ये वही काम कर रहे हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 जितना आ रहा है, और 1 साल 1.5 साल के बाद ये एकदम से भागेंगे और ये कहेंगे जी हम तो बोल ही नहीं रहे, हमें तो पता था ये सब कुछ जो इसने अभी पोस्ट में लिखा। इसने क्लियर कर दिया है अखिलेश ने कि ये एक सेट वर्कर है और इसको आपके भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये व्यक्ति किसी भी दिन, जैसे प्रोयंग के अंदर इसको पे आउट नहीं मिल रहा था ये चुप था, ऐसे ही ओके लाइफ केयर में सोनम को और इनको 1000 कमियां दिखाई दे रही हैं। दोस्तों समझ जाओ, ये टॉप अचीवर हैं, ये टॉप अचीवर हैं, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको पैसा जा रहा है, इनको तो मैं कह रहा हूं अगर 70% भी इनका बिजनेस गिर जाए, 80% भी इनका बिजनेस गिर जाए तो भी इनके लिए बहुत है, संभलना आपको है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो मिस्टर अखिलेश सिंह गिरगिट आप हो, आपकी मैनेजमेंट के लोग हैं जो बात बात में चुटकियों के अंदर रंग बदलते हैं, 3 तारीख को पे आउट पहुंचा देना लोगों के घर में, ध्यान रखना, क्योंकि आपने बोला बेचारे पता नहीं कहां कहां से जाके उन्होंने क्लोजिंग की होगी, कितने लोगों का, आप सबका तो बिजनेस बढ़वा दिया ना रातों रात। अब जिसका 5000 बन रहा होगा, इसका 10000 बन रहा होगा, क्या उसको दिवाली की पेमेंट देंगे आप? आपका तो आ जाएगा, आपका तो पिछले महीने भी लाखों आया होगा, आप थोड़ी दोगे किसी घर में दिवाली की मिठाई का डब्बा।
समझ रहे हैं दोस्तों, चालाकी समझ रहे हैं इनकी। अभी आता हूं दीदी जी पे भी आता हूं, सोनम दीदी पे, और उनका मैं राजफाश करूंगा। मेरे पास एक ऑडियो थी जो मेरी टीम के कृष्णा प्रजापति को इन्होंने भड़काया था मेरे खिलाफ, मैंने नहीं डाली थी, अब मुझे डालनी पड़ेगी इनके उस लाइव की कटिंग के साथ जिसमें ये प्रवचन दे रही है ना। अभी प्रवचन क्या है, मैं अभी आता हूं आगे। अभी मैंने एक डाला है इनका, गिरगिट कौन होता है, अभी देखिए। इससे पहले मैंने एक डाला है डीके सारन का, जो 2019 में पूरी इंडस्ट्री में जितनी गाड़ी निकलने वाली है, बोल रहे हैं 2019 के अंदर पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी लग्जरी गाड़ी निकलेंगी ना, उनसे कई गुना ज्यादा ओके लाइफ केयर में निकलेंगी गाड़ी। और लास्ट में क्या बोलते हैं, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, इनसे पूछो कहां है, ये हमेशा ऐसे ही माहौल बनाते हैं, ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, और आप बेवकूफ बनते रहोगे। पूछो इनसे दो, वो वीडियो देखो नीचे जाके आप। अखिलेश एक साल के अंदर 100 लोगों को 10 लाख तक पहुंचा रहा है। सोनम दीदी किसी और कंपनी की बुराई कर रही हैं, फिर हमारे बारे में बोल रही हैं कि ये कंपनी की बुराई करते हैं, इनको अनफॉलो करो, इनको मत सुनो। और इनके बॉस कह रहे हैं कि 2019 के अंदर जितनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर लग्जरी गाड़ी नहीं आएगी, उतना अकेला 2019 में ओके लाइफ केयर से हम मार्केट में देंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। इनसे पूछ रहा हूं, एक गाड़ी दिखाओ, एक गाड़ी दिखाओ इनसे। एक गाड़ी आई थी मिस्टर अखिलेश बाबू, आप कह रहे हो पिछली कंपनी से मैंने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाया। सोनम कहती है मैंने भी बहुत पैसा कमाया। तो अखिलेश जी एक बात का जवाब दीजिए, जब आपने BMW ली थी तो 2 लाख रुपए सोनम जी से उधार क्यों लिए थे आपने, जब आपके पास तो बहुत पैसा था, आप तो प्रोयंग से लाखों करोड़ों रुपए कमाए आपने, तो 2 लाख रुपए उधार सोनम से क्यों लिया आपने, जो सोनम ने मुझे अपने घर पे बैठ के बताया कि अभी मुझे जरूरत है, लेकिन अखिलेश भैया जो है उनसे पैसा मांग रही हूं, 2 लाख रुपए नहीं दिए, आपकी बुराई कर रही थी उस दिन, हमने तो आज तक नहीं बोला। आज वो बोल रही है द्वेष नहीं रखना चाहिए, दिवाली की गंदगी जैसे साफ करते हैं ऐसे ही नेगेटिविटी को साफ कीजिए, घृणा को साफ कीजिए, द्वेष को साफ कीजिए। मैं भी बाबा जी बन सकता हूं, मैं भी तिलक लगा के माला लगा के प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन झूठा बनना अपने को नहीं आता। अब वो वीडियो वायरल होगी पूरे हिंदुस्तान में, होना क्या, वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूसरी कंपनी के लोगों को आपसे ब्लॉक करवा देते हैं। सोनम जायसवाल खुद नहीं करती है, अब इनके इन्फ्लुएंस में आएंगे, इनके उस प्रवचन में आएंगे। इतनी बढ़िया लीडर है यार, कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात दे रही है, इनको तो लीड मिल जाएगी। आप फंसते रहो, आप मरते रहो। उस वीडियो को जो इन्होंने बोला, अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया, अभी उस वीडियो को मैं डाउनलोड करूंगा सोनम के, और वो पार्ट निकालूंगा जिसमें वो प्रवचन दे दिया, और फिर अपना आगे का पूरा वीडियो चलाऊंगा। मेरा कोई भी जानकार अगर सुन रहा हो सोनम जायसवाल के पेज पे जाओ, उस वीडियो को तुरंत डाउनलोड करो, मैं नहीं कर पाया हूं अभी। उसकी हमें कटिंग चाहिए, और आगे मैं दिखाऊंगा ये कितना घृणा। अजय शर्मा तो यूट्यूबर है, क्यों अजय शर्मा के चक्कर में पड़े हुए हो, ये इसने तो अपनी कंपनी चलाई थी, इसने तो अपनी कंपनी बंद कर दी। कृष्णा भाई अपने बारे में सोचो, ये तो छोड़ देगा, ये तो छोड़ के चला जाएगा, हमें इसके बारे में पहले से पता है। ये सब कुछ, ये नेगेटिविटी आप फैलाती थी, ये द्वेष, ये घृणा आप अपने दिल में लेके चलती, बेकार के प्रवचन, झूठे प्रवचन, गिरगिट वाले प्रवचन देने बंद करो। इनके झांसे में मत फंसो दोस्त, भोली वाली सूरत पे मत फंसो। और मैं गारंटी दे रहा हूं, उस लाइव को आप देखोगे ना, आज तक मैंने इसका ऐसा लाइव नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गुरु बोल रही है। चलिए, तो अखिलेश जी 2 लाख रुपए किस बात के लिए थे, और सोनम जी ने कई बार आपसे मांगे, 2 लाख रुपए आपने नहीं दिए, जबकि आप ओके में बहुत अच्छा पे आउट कमा। सोनम जी कह रही थी देखो भैया अजय जी इतना बढ़िया पे आउट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 2 लाख रुपए नहीं दिए। ये आपकी सोनम दीदी ने बताया मुझे, आपकी प्रिय डाउनलाइन ने बताया मुझे, जो आपके मेंटर बोलते हैं किसी की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, ये तो मुझे बताती थी आपके बारे में, तो हम आपकी रेस्पेक्ट कैसे करते। आप कहते हो ना अखिलेश जी अजय जी तो हमसे बात नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, जब मेरे को ये बताया जा रहा है कि एक इंसान झूठ बोल रहा है, 2 लाख रुपए इनसे उधार ले रहा है कार के लिए, और पैसा कमाने के बाद भी 2 लाख दे नहीं रहा। कई बार कहने के बाद जब सोनम को फ्लैट लेना था, जब उसने मजबूरी में बोला भैया अब तो दे दो, तब जाके आपने 2 लाख रुपए उनके दिए। अब बताओ आप कैसी अपलाइन हो। और सागर सिन्हा के अकाउंट में जो 2 लाख रुपए दिए थे उसका तो जवाब आज तक दिया नहीं, वो बोल रहे जो रिवार्ड के लिए दिए थे। अजय शर्मा के अकाउंट में तो 2 रुपए भी नहीं आए, और सागर सिन्हा को 2 लाख रुपए दिए जो हर महीने जाते थे, आपने कहा रिवार्ड के लिए दिए, क्योंकि गलती से आपसे वायरल हो गया, आपसे खुद वायरल हो गया, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। तो दोस्तों ये झूठ बोलते हैं। कल का ही लाइव है, मेरे पास रिकॉर्डेड है, अगर कहो तो मैं डाल दूंगा। कल सबको बोला क्लोजिंग करो, कंपनी में पैसा चला गया, टॉप अचीवर्स के बिजनेस बढ़ गए, और इन्होंने बोला जी क्लोजिंग तो होगी 1 तारीख को, अब लीडर ओरिएंटेड कंपनी बन गई इनको, और पे आउट दूंगा मैं 10 तारीख को। आप सबको मूर्ख बनाया, जितने भी नीचे के लेयर हो ना डाउनलाइन, सर आप बन गए सारे के सारे मूर्ख।
और हो सकता है मेरे इस वीडियो का दबाव पड़े, मेरे इस वीडियो का लाइव का प्रभाव पड़े, और हो सकता है 3 बार को आपको 3 तारीख को आपको वो मिल जाए, तो मुझे थैंक यू बोल देना, मिलना चाहिए वैसे मेरे को। चलिए अब सोनम दीदी के ऊपर आ जाते हैं, जरा 5 मिनट और उसके बाद एक बहुत जरूरी संदेश मैं आपको दूंगा, बने रहिएगा मेरे लाइव के अंदर, जो मैं कल भूल गया था। प्रोवेदा के खिलाफ ये कैसी साजिश रच रहे हैं, मेरे को कल ध्यान नहीं आया, आज मेरे को किसी ने फोन करके याद दिलाया तो मुझे भी क्लिक हुआ, हाँ यार ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा प्रोवेदा वाली बात आपको। अब सोनम जी बोल रहे हैं, कैसे बोल रही हैं, घर में अच्छे से सफाई होती है, जैसे कोने कोने से आप धूल मिट्टी सब कुछ निकालते हैं, घर की सफाई करते हैं, जब घर की सफाई होती है तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है, उसके बाद दिवाली जो है वो आपकी जो है सेलिब्रेट होती है, उसके बाद दिवाली सेलिब्रेट होती है। तो मन से घृणा निकाल दो, मन से द्वेष निकाल दो, मन से ये निकाल, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता, लोग मानेंगे आपकी बात, लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छी बोल रही है, यार अजय इतना गंदी गंदी बात बोल रहा है, इतना उल्टी सीधी बात बोल रहा है सोशल मीडिया पे, ये तो बहुत अच्छी बातें बोल रही है, देखो अजय जी तो बेकार हैं, सोनम जी तो कितनी अच्छी हैं, इतना होने के बाद भी वो बोल रही है माफी दे दो गिफ्ट, दिवाली में फिर हम गिफ्ट देने जाते हैं किसी को, तो ऐसे लोगों को माफ कर दो, माफी का गिफ्ट दे दो, तो आप तो भगवान बनने की कोशिश कर रही है। मैं भी मान लेता आपको कि हो सकता है कल मैंने समझाया था तो आप अच्छी वाइब्रेशन भेज रही है, मैं क्यों नहीं मान पा रहा हूं, क्योंकि 3 महीने पहले ही आपने 27 मिनट मेरी टीम के कोर मेंबर को ये बोला था अजय शर्मा पे भरोसा मत करो, तो ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। और अपनी लाइफ में क्या बोल रही हैं, विवेकानंद जी को किसी ने ये बोला वो बोला, विवेकानंद जी चुप रहे क्योंकि सफल आदमी के बारे में ही बातें होती हैं, जो सफल होता है उसके बारे में ही बातें होती हैं, उसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो अजय शर्मा को आपके टॉप साइंटिस्ट आके क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब अजय शर्मा सफल है मान लो फिर, क्योंकि लाइफ केयर अपनी वॉल पे कह रहे हैं अजय शर्मा को ब्लॉक करो, यानी सच्चाई नहीं पहुंचनी चाहिए लोगों तक, कितना भी छुपा लो मुझे ब्लॉक करा दोगे, मेरे पेज को ब्लॉक करा दोगे, मेरे नंबर को ब्लॉक करा दोगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाएगा और खटाक से वीडियो पहुंचे, कल से 3-4 फोन आ चुके हैं मेरे पास, वो प्लान दिखाने जा रहे हैं, शाम को मेरा वीडियो पहुंच रहा है कि ये देख लो सर इनका जवाब दे दो, सही काम नहीं करना, कल से पोस्टर चला दिया आशावादी नेगेटिव निराशावादी, आशावादी हमेशा मुस्कान, आप आशावादी के चेहरे पे मुस्कान रहती है, निराशावादी के चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती है, हैशटैग फोटो डालो, ये पोस्टर में माहिर हो आप, माहौल बनाने में माहिर हो आप, तो आप जो बोल रही है ना घर की गंदगी जो साफ होती है उसके बाद दिवाली सेलिब्रेट होती है, तो दिवाली से पहले मैं ये ओके लाइफ केयर की गंदगी को ही साफ कर रहा हूं, उसके बाद मैं भी दिवाली सेलिब्रेट करूंगा, मैं भी गंदगी ही निकाल रहा हूं, गलती में मत रहना आप, आपके झूठ का गंदगी, आपके लोगों को फेक कमिटमेंट की गंदगी, इस इंडस्ट्री में लोगों को दूसरी कंपनियों के बारे में भड़काने वाली कंपनी की गंदगी, इसको मैं साफ कर रहा हूं, चिंता मत करो, मैं भी दिवाली की तैयारी कर रहा हूं, उसके बाद बम पटाखे छुड़ाएंगे, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको माफी का गिफ्ट देना है नहीं देना, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हो, उसके बाद देखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं देखेंगे कि माफी का गिफ्ट आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर 2 दिन में आप नहीं सुधरे, अब आप तो ये दे रही हैं प्रवचन, अखिलेश भैया को समझा देते हैं, अखिलेश भैया जवाब नहीं देना चाहिए किसी का, हमारे विवेकानंद जी ने बोला कि जवाब नहीं देना चाहिए, सफल इंसान की सबसे पहली निशानी क्या होती है उसके बारे में बोला जाएगा, सफल इंसान की दूसरी वो क्या होती है कि सफल इंसान उसका जवाब नहीं देते हैं, तो अखिलेश भैया को बोलो हैशटैग बाजा क्यों डाला, उनको तो फिर बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, अभी गिरगिट क्यों डाला अखिलेश भैया ने, उनको तो बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, यानी अपलाइन नहीं सीख रहा, डाउनलाइन दुनिया को सिखा रही है, वेरी गुड। अपने डीके सारन सर को सुनाओ, सर फेक कमिटमेंट क्यों कर रहे हो, वो भी दिवाली पे लक्ष्मी आएगी या जाएगी, आपने बोला मैं आपको पैसा दूंगा लक्ष्मी दूंगा और फिर अपने मुकर गए आप, तो आपकी भी लक्ष्मी चली जाएगी किसी ना किसी रूप में, ये मत सोचना पैसा आ रहा है, ये पैसा कब किस रूप में भगवान निकालता है ना पता नहीं चलता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मकान बिक जाते हैं, पिछली बार कोरोना के अंदर ना लोगों को करोड़ों रुपए थे हाथ में लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला था, ये मत सोचना कि प्रॉपर्टी जोड़ ली है, दुकान जोड़ ली है, मेरा तो सिक्योर हो गया, कब निकलेगा कैसे निकलेगा किसी को नहीं पता, एक बद्दुआ से ना पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, ध्यान रखो, तो लोगों के पे आउट से खिलवाड़ मत करो, टाइम से पे आउट दो, अगर वादा किया है तो 3 तारीख को पे आउट देना पड़ेगा आपको, और ये मत सोचना वीडियो डिलीट कर दिया किसी को पता नहीं चलेगा, वीडियो सेव है हमारे पास, कंप्लेन हो सकती है आपकी उसके ऊपर, लेकिन आपके लोग करेंगे नहीं कंप्लेन, ये तो डरते हैं, डरो मत भाई, आप मेहनत कर रहे हो, कोई हराम का पैसा नहीं दे रहा दोस्त आपको, ये डराते हैं आपको, आप मेहनत कर रहे हो तब पैसा मिल रहा है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये पैसा देने वाले नहीं है। घृणा की धूल हटा दो,
द्वेष की धूल हटा दो, हटानी चाहिए। आपने हटाई आज तक घृणा और द्वेष की धूल? आपका ऑडियो उसमें डाल के मैं करूंगा वायरल, चिंता मत करो। तो अखिलेश सिंह जी गिरगिट कौन है आपको समझ में आ गया? अब लास्ट में एक बात सुन लीजिए सर, प्रोवेदा के बारे में कल मैं बता रहा था, साजिश रचते थे और मुझे ध्यान आया जो व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, खासकर प्रोवेदियन और जो भी प्रोवेदा को देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हर कंपनी के लिए साजिश रचते हैं ये, लेकिन प्रोवेदा के लिए इन्होंने एक स्पेशल मोहरा रखा हुआ है कंपनी के अंदर, और वो है मिस्टर नितिन चांदना। मिस्टर नितिन चांदना आप जानते होंगे, गुजरात की टीम आई थी। अनिल आचार्य जी को भेज देना ये वीडियो, और जयदीप जो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, डीके पटेल और सुधीर जोशी मानेंगे मेरी बात को। जैसे मैंने कल के लाइव में बताया था कि वो पहले ओके लाइफ केयर को देखने आए थे, डीके सारण जी को बता भी दिया था कि हम प्रोवेदा को भी देखने जाएंगे। तो डीके सारण जी ने बोला जी सेटिंग चाहिए तो प्रोवेदा दे देगी, करियर चाहिए तो यहां मिल जाएगा। तो बातें तो ऐसी करते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं यार, ऐसा तो सीईओ नहीं देखा यार हमने, हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं मिलती, हम एमजी नहीं देते जबकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, आप एमजी भी देते हो। बहुत जल्दी अभी आपके बीच में लेके आऊंगा कुछ ऐसे लोगों को, हेलीकॉप्टर एंट्री भी दी है विद प्रूफ दिखाऊंगा। आपने लोगों के पैन कार्ड नंबर चेंज कर दिए, दूसरे अकाउंटों में आपने पैसे पहुंचा दिए, संजय चैल जी का वीडियो डालूंगा आपको। अरे आर आर दैया जी बेचारे जिनके लड़के इतने यार सिंपल इंसान है, उनके घर में 4-5 लाख 10 लाख पहुंचना चाहिए था, आपने तो उसकी आईडी उनकी आईडी उड़ा दी। सर टॉप आईडी देना आपकी कंपनी में, लेफ्ट में एक ग्रुप हो गया, राइट में एक ग्रुप हो गया, सबसे बड़े अचीवर तो वो नहीं चाहिए। ये रातों रात क्या आपने किया उनके जाने के बाद? और इमोशनल करोगे फिर आप आके कि आज आर आर दैया जी की पुण्यतिथि है और आज परचेज दबा के करो और करोड़ों रुपए आप तो अंदर कर लोगे। आर आर दैया जी के बेटे के घर में कुछ जाना नहीं है, अकेले में बैठ के सोचना क्या किया आपने उनकी लाइफ के लिए। हो सकता है उनको प्रेशर देके आप कोई वीडियो भी बनवा दो, आप भी बोलो मत बनवाना सर ये काम मत करना, क्योंकि मेरे पास वीडियो है, मैं आर आर दैया जी की वो वीडियो डाल नहीं रहा हूं जिसमें आर आर दैया जी को आप सामने मोहरा बना के बैठे हुए हो और अपने शब्द जो है उनके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो। कितनी कंपनी की आर आर दैया साहब आपने, वो बेचारे बता रहे हैं इतने साल हो गए, यहां कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बाहर के प्रोडक्ट कैसे थे? अरे सर वो प्रोडक्ट ऐसे थे। यहां के प्रोडक्ट आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा कितनी रेंज रोवर, आपकी रेंज रोवर कब तक आ रही है? वो बेचारे बोल रहे हैं सर 2 महीने मेरी रेंज रोवर आ जाएगी। टीम में कितनी रेंज रोवर आ रही है? बोल रहे हैं अगले महीने मेरी टीम में 4-5 रेंज रोवर आएगी। ये आप बोल रहे हो डीके सारण सर वहां पे बैठ के, अखिलेश ये बोल रहे हैं तो गिरगिट कौन है आप बताइए? और आज आप कहते हो हम तो गाड़ियों की बात नहीं करते, जो कंपनी गाड़ियों की बात करती है आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करती है, हम तो कार की बात करते हैं। बॉस आपसे गाड़ियां निकलवाई नहीं गई तो आपने अपने शब्दों को चेंज कर दिया। रात को बात करूंगा, आप एक फेलियर सीईओ हैं, फेलियर सीईओ हैं। एक फेलियर सीईओ की 5 कमियां रात को आके बताऊंगा मैं, 5 चीजें जो शुरू से लेकर इन्होंने अब तक किए, जो इन्होंने पूरी नहीं किए तो आगे क्या पूरी करोगे, इसकी क्या गारंटी है। तो दोस्तों अखिलेश सिंह वगैरह पिछली कंपनी में भी लोगों को फंसा के फिर कंपनी छोड़ा था, अपना पेट भरते रहे, यहां भी यही करेंगे। कमियां बहुत चल रही हैं, दिक्कत बहुत चल रही हैं, परेशानियां बहुत चल रही हैं। ये ऊपर के जितने लोग हैं, जितने लीडर हैं जिनके चेक लाखों में बन रहे हैं, कोई नहीं बताएगा आपको ये पैसे के लालची है। हमारी तरह थोड़ी है जो 3-2.5 लाख रुपए का चेक छोड़ के भी कंपनी से बाहर निकल जाए कोई इंसान। तो नितिन चांदना जी इनकी कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, तो जयदीप सोनी जी और उनकी जब टीम गुजरात से हमारे पास आई, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, दबा के वायरल कर दीजिए और डाउनलोड जरूर करते रहना हाथ किया। तो नितिन चांदना जी के पास जब सारी चीजें हो गई तो लास्ट में बोले सर देखिए अगर आप प्रोदा में जा रहे हैं तो हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं। फिर बात बुलाएगा नितिन चांदना जी को और बोले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नितिन चांदना जी आए, नितिन चांदना जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहां पे इस तरीके से अब इस कंपनी में ये मेरा रैंक है। और फिर वो बोलने लगी सोनम सर वो बताओ आप प्रोवेदा के बारे में बताओ जरा इनको। तो बोलते हैं अरे सर प्रोवेदा के बारे में क्या बताऊं सर छोड़ो। अरे नहीं नहीं सर बताओ ना ये प्रोवेदा में जा रहे हैं सर, इनको सच्चाई पता लगनी चाहिए, बेचारे फंस ना जाए कहीं। तो नितिन चांदना जी बोलते हैं सर मैंने प्रोवेदा के अंदर काम किया है, प्रोवेदा की रग रग से मैं वाकिफ हूं और कुछ ऐसी चीजें मैंने वहां पे देखी जिसकी वजह से मैंने प्रोवेदा को छोड़ दिया, इनको रिजाइन दिया और इन्होंने मेरी 1 महीने की 1 लाख रुपए की सैलरी नहीं दी। ये नितिन चांदना जी ऑफिस में बैठ के बताते हैं, जब भी कोई प्रोवेदा का जिक्र करता है या कोई प्रोवेदा वाला जाता है वहां पे नितिन चांदना जी के पास बैठाते हैं, नितिन चांदना जी को इसी बात की सैलरी मिल रही है और किसी बात की सैलरी नहीं मिल रही है, ध्यान रखें आप। अब सच्चाई बताता हूं, अब मत फंसना नितिन चांदना जी की बातों के अंदर। अब ये बोले तो इनको बोलना प्रूफ देंगे हम, पूरे 100% प्रूफ देंगे। नितिन चांदना जी प्रोवेदा के अंदर काम करते थे, जॉब करते थे, नौकर थे, लेकिन वहां पे कोई भी लीडर जरा सा इनको नेगेटिव दिखाई देता था ये कैबिन में बुलाते थे अपने, इधर उधर की पहले बातें करते थे, फिर कहते थे यार इंडियन कंपनी है। जब वो कहता था सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है परेशानी, हर नई कंपनी में शुरू शुरू में थोड़े बहुत चैलेंज आते हैं, तो कहते हैं सर ऐसे ही होता है इंडियन कंपनी में ये चैलेंज आते हैं, सर इंटरनेशनल कंपनी में चैलेंज नहीं आते हैं। फिर ये धीरे धीरे करके तियांश के बारे में बताना शुरू करते थे क्योंकि नितिन चांदना जी की वाइफ के नाम से तियांश में आईडी है।
इन्होंने एक आदमी को बोला, दो को बोला, तीन को बोला, चार को बोला, और वो न्यूज पहुंच गई असीम सूद जी के पास। असीम सूद जी ने तीन चार बार इग्नोर किया कि यार हो सकता है लीडर ऐसी बदनामी कर रहा हो एक स्टाफ की, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन जब बात बढ़ गई तो उन्होंने तीन चार लोगों की एक टीम बनाई और एक इनका वो किया, क्या नाम अपना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तहलका हुआ था, क्या हुआ था इनका, क्या शब्द, मेरे दिमाग से शब्द निकल गया। तो इनका पूरा जाल फैलाया इनके लिए और उन तीन चार लोगों को इनके कैबिन में भेज दिया और उन्होंने बात करनी शुरू की। तो इन्होंने घुमा के वही बात करनी शुरू करी, इंडियन कंपनी तो दिक्कत रहती है सर, इंटरनेशनल कंपनी करनी चाहिए और मेरी वाइफ करती है, देखिए मैं तो करता नहीं, मेरी वाइफ करती है, बहुत अच्छी कंपनी है। त्यांश के बारे में बताना शुरू किया, ऑन पेपर इन्होंने प्लान बताना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने प्लान खत्म किया उन्होंने तुरंत असीम सूद जी को बताया, तुरंत कैबिन में सारी की सारी टीम आई, इनको तुरंत वहां पे इनका इनको पकड़ा गया और बीच में ऑफिस में लेके गए और वहां पे जितने स्टाफ थे सब स्टाफ को बुलाया गया जो सैलरी लेते थे, जो काम कर रहे थे, और उन सबको इनकी हरकत दिखाई गई और उसके बाद तुरंत इनके से पेपर पे लिखवाया गया, एफिडेविट तैयार कराया गया और इनका तुरंत वहां पे रेजिग्नेशन साइन करवाया गया, इनके अंगूठे के साइन लिए गए, इनके सिग्नेचर लिए गए। वो व्यक्ति इनकी कंपनी में बैठा है सिर्फ इसलिए कि प्रोवेदा का कोई व्यक्ति आएगा और ये किया जाएगा। प्रूव है हमारे पास, विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता लगा है। और उसके बाद इनकी 50-60 हजार की सैलरी बाकी थी जो असीम सूद जी ने गुस्से के अंदर नहीं दी 10-15-20 दिन कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये फ्रॉड कर रहा हमारी कंपनी में बैठ के। कोई भी मालिक होगा करेगा, इन्होंने तो रोकी हुई 1 लाख रुपए की सैलरी रोकी हुई एक आदमी की, इन्होंने भी रोकी हुई है जबकि उसने तो कुछ किया नहीं है। तब ये बार बार बोलते रहे सर मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है सर, जॉब नहीं मिल रही है, अचानक जॉब छूट गई है। तब असीम सूद जी को थोड़ा सा दया आया, उन्होंने बोला आ जाओ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने अपने बेटे को भेजा, खुद नहीं गए शर्म के मारे, इन्होंने अपने बेटे को भेजा, इनके बेटे के सिग्नेचर हैं, इनके बेटे के वहां पे अंगूठा लगा हुआ है और इनको बोलो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, उनके बैंक स्टेट के अंदर वो सैलरी ट्रांसफर हुई हुई है। यार कितना झूठ बुलवाते हो आप लोगों से, कितना झूठ बुलवाते हो आप लोगों से, और एक कंपनी के कंपनी को इतना बदनाम करते हो और आप कहते हो हम एथिकल हैं। भले ही मैं मानता हूं आप हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं देते हो लेकिन ये एथिकल है क्या? तो अखिलेश सिंह जी, ओ अखिलेश सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, गिरगिट मैं नहीं हूं भाई साहब, वो बात अलग है, गिरगिटों के बीच में रहने वाले को दूसरा समझ में नहीं आएगा, गिरगिट आप लोग हो। ये सारी कहानियां बता रहा हूं मैं आपकी, अभी बहुत कहानियां आएंगी, अभी हैं 2 दिन बाकी और मैं लगातार, अगर भरोसा ना हो ना एक दिन चैलेंज कर लेना, मैं लगातार 12 घंटे बोल सकता हूं यहां बैठ के, और 12 घंटे में कितना बोलूंगा ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा शायद। दोस्तों जरा सर्च करना कि लगातार कितने लंबे टाइम तक कोई फेसबुक लाइव किसी ने किया, हो सकता है मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दूं। यार ये बाजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे आपके लिए, तो थोड़ा मेहनत करके सर्च करके बताना कि किसी आदमी ने लगातार बैठे बैठे लाइव जो किया है वो किया। मैं सोच रहा हूं एक ही लाइव में किस्सा खत्म कर दें इनका, एक ही लाइव बनाए पूरे दिन का 12-14 घंटे का और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए यार आपके बहाने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इस बाजा का नाम आ जाए यार, उससे बड़ी क्या चीज हो सकता है, भगवान ये देना चाहता हो। तो समझ जाओ भाई साहब, इनसे समझ जाओ इनका बैंड बाजा बजने वाला है। और एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है एक्चुअल में ओके लाइव केयर का मालिक है कौन। सब चल रहे हैं बस बातों के अंदर, कोई बोल रहा है ये मेरे गुरु हैं, ये दोनों मेरे गुरु हैं, ये नेगेटिविटी में बात नहीं करते हैं। अरे यार मैं तो बोलना चाहूंगा भाई साहब, सागर सिन्हा जी कहां फंस गए आप, निकलो निकलो इससे बाहर यार, आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो यार, इतनी बढ़िया वैल्यू थी आपकी, खुद की वैल्यू भी खराब हो रही है, मेरी जो खरी करी इन्होंने आपकी भी खराब करवा रहे हैं यार। इतना बढ़िया आपका चैनल चलता था उस पर, ये कह रहे हैं अजय शर्मा के चैनल पे व्यूज देख लो, सागर सिन्हा जी की वजह आपके चक्कर में सागर सिन्हा जी की भी लाइफ खराब हो गई। आप कह रहे हो जी अजय शर्मा जो वेस्टीज में था, वेस्टीज से के पैसा कमाया, वेस्टीज के व्यू आए, तो सागर सिन्हा जी के भी तो वेस्टीज के व्यू आते थे, ओके लाइफ केयर के व्यू दिखा दो। तो सागर सिन्हा जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, मैंने आपको कुछ बोला तो उसके लिए चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे आपस में, मुझे मालूम है कि आप उस टाइप के व्यक्ति नहीं हो, आपस में मिलकर हम लोग अपना जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके चक्कर में दोस्त लाइफ खराब हो जाएगी, बाद में ना कोई कोर्स बिकेगा ना कोई बिकवाएगा और बाद में यही लोग खुद बोलेंगे कि ये बंदा अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर लिखता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, निकलो इनसे बच के, उस ईगो में मत रहो कि दुनिया क्या बोलेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप ओके लाइफ केयर छोड़ते हो आपका भी सम्मान बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूं अब घटेगा नहीं दोस्त सागर सिन्हा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आवाज उठाओ दोस्त, तब मैं मानूंगा कि आप एक अच्छे नेटवर्क करो। आपको खुद मालूम है दोस्त, आपकी टीम को मालूम है कितनी परेशानियां हो रही है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की तैयारी करते हैं हम भी। दिवाली मेरा बाहर चल रहा है काम, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं बैठा क्योंकि दिन में मेरे को बाहर लाइव बनाना था। तो घर की गंदगी वाइफ साफ कर रही है और नेटवर्किंग की ये जो गंदगी है इसको मैं साफ कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिए, अपने फेसबुक पर चलाइए, अपने यूट्यूब पर चलाइए, और जितने भी लोग ओके लाइफ केयर के आपसे बात करते हैं उन सब लोगों को ये सेंड कीजिए। YouTube पे भी डल रही है, मेरे YouTube चैनल पे भी ये सारी की सारी वीडियो जो है सुबह लाइव होता है, रात को लाइव होता है, YouTube चैनल पे भी ये वीडियो डल रही हैं। और कोई भी ओके लाइफ केयर का लीडर अगर आपके पास आता है ये सारी वीडियो दिखाइए, पहले इनका जवाब दीजिए। और आज रात को जो वीडियो बनाने वाला हूं वो ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो होगा, जो भी ओके लाइफ केयर का लीडर, बताना पड़ेगा दोस्त आके आपको सोशल मीडिया पे कि एक्चुअल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी डाल रहा हूं, सागर सिन्हा की टीम से एक बंदा है, जैसे ही मैंने डाला कि कौन है तो उसने अपनी फोटो अपना कमेंट डाला कि मैं हूं। अभी मैं उसका इस लाइव के बाद एक फोटो डालूंगा कि मिल गया मिल गया मिल गया, ओके लाइफ केयर का एक्चुअल में सीईओ मिल गया। ये इनके सबके दिमाग हिल गए हैं, वो बोल रहा है मैं हूं उस कंपनी का मालिक। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, कल से ये चला दें, कल से कोई बड़ी बात नहीं, कल से ये चला दें कि सभी लीडर बोलने लगे हैशटैग ओके लाइफ केयर, हैशटैग मैं हूं ओके लाइफ केयर कंपनी का मालिक, हर वो डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का मालिक। अभी ये लाइव आके बोल देंगे मेरे लाइव से, अरे सागर सिन्हा जी आप हो इस कंपनी के मालिक, सोनम आप हो इस कंपनी के मालिक, अखिलेश जी आप हो इस कंपनी के मालिक, सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के मालिक, और सब खुश हो जाएंगे, अरे यार मैं कंपनी का मालिक हूं, अकाउंट में चवन्नी नहीं आ रही, कंपनी का मालिक। ये अभियान चला देंगे, ये हैशटैग चलाने बड़े माहिर हैं, कल से डलवा देंगे मैं हूं कंपनी का मालिक। अभी एक लड़की की फोज डालूंगा, उसने जोश जोश में डाल दिया मैं हूं कंपनी का मालिक, तो देखना वो है कंपनी का मालिक, मिल गया ओके लाइफ करेगा कंपनी का मालिक। बताना पड़ेगा आके ऑफिशियली, और भैया क्यों नहीं बताओगे आप कंपनी का मालिक कौन है? आप बात घुमा जाते हो जब कोई पूछता है, सारी दुनिया को मालूम है ओके लाइफ केयर का मालूम कौन है? अरे आप एक्सेप्ट करो ना, डीके सारण कंपनी का मालिक है, आप बोलो हम ये सवाल खत्म कर देंगे जिंदगी भर के लिए। आपका नटवर लाल पूछ रहा है अजय शर्मा ने कंपनी किस कारण से बंद की, अबे तू उससे पहले ये बता तुम्हारी कंपनी का मालिक कौन है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? तू है, ये है या और लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति और, उन्होंने मेरे पर्सनली बोला था अजय जी मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलता प्लीज आप मेरा नाम ना ले, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनका नाम लूं। वो कम से कम आपसे कई गुना ज्यादा समझदार इंसान है, पता नहीं आपको समझा क्यों नहीं रहे ये मुझे नहीं मालूम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रात को 9:30 बजे फिर दोबारा से मिलते हैं, 50 सवाल लेके आऊंगा, और वो 50 सवाल हमेशा इनसे पूछना कि सर इनके जवाब दो, वो 50 तो मेरे पास हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के पास होंगे तो हजारों की लिस्ट बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।